वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर गायना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अब जो है स्नेल चैप्टर नंबर वन जो है इंट्रोडक्शन, उसके हम लेक्चर नंबर टू है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट दे रहे हैं। सो पहले तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो केस वगैरह था और कौन से मेन क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उनसे रिलेटेड हमने वीडियोज अपलोड की थी, जो लेक्चर नंबर वन है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का। सो आप वहां पे जाके और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एनुअल एग्जाम्स में आते हैं और जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके होते हैं रिलेटेड दिस चैप्टर, तो उसमें आते हैं। सो अब हम लोग बेसिक एनाटॉमी से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एनाटॉमी का टर्म्स हैं, पोजिशंस हैं, देन मूवमेंट्स डिस्कस की गई। सो सबसे पहले हम लोग बेसिक एनाटॉमी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि आप लोगों को जो है वो पहला ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो सके। सो गाइस, अगर हम लोग यहां पे देखें एनाटॉमी की बात की गई, सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी में आपको एनाटॉमी की डेफिनेशन बताई गई है। एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। बेसिकली यहां पे आपको ये कहा गया है कि एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, बट एनाटॉमी रिलेटेड टू होती है, आपको फोकस किस पे करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी में हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पढ़ते हैं एंड किसी किसी जगह पे थोड़े बहुत फंक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन रिलेटेड टू फंक्शन वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहते हैं कि जो ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह हो रही होती है तो उसमें ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं। सो इसलिए एनाटॉमी का फिजियो के साथ, फिजियोलॉजी के साथ रिलेशन होता है। क्लिनिक, अच्छा, अब उसके बाद एनाटॉमी जो है फर्दर डिवाइड हो गई दो ब्रांचेस में, क्लिनिकल एनाटॉमी एंड बेसिक एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी एज इट रिलेट्स टू द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन एंड अदर हेल्थ साइंसेज। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, ये स्टडी है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, मीन्स के जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के, लाइक आप लोग का लिवर हो गया, हार्ट हो गया, इस तरीके जो स्ट्रक्चर है उनकी फुली स्टडी करना, ताकि जो है मेडिसिन और अदर हेल्थ सर्विसेज के अंदर हम लोग प्रैक्टिस हमारी ईजी हो सके। देन हमारे पास है बेसिक एनाटॉमी। बेसिक एनाटॉमी क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ द मिनिमल अमाउंट ऑफ एनाटॉमी कंसिस्टेंट विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। बेसिक एनाटॉमी में सिर्फ हम लोग मिनिमल अमाउंट ऑफ जो है एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, मीन्स के एक स्ट्रक्चर के मिनिमम अमाउंट में सिर्फ उसके बेसिक्स को पढ़ते हैं, उसके एक्सट्रीम्स वे में नहीं जाते। सो वो बेसिक एनाटॉमी कहलाती है, ताकि सिर्फ हम लोगों को ओवरऑल पता हो कि फंक्शंस क्या है। लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी, लाइक अगर एमबीबीएस के स्टूडेंट है तो आपको हर चीज के, हर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की मेन जो है, आपको हर कोई एक मेन टॉपिक, हर मेन पॉइंट आपको पता हो। तो इस बेसिक एनाटॉमी में हमने क्या कहा कि एनाटॉमी की दो ब्रांचेस हैं, एक क्लिनिकल एनाटॉमी, एक बेसिक एनाटॉमी है। एनाटॉमी क्या है, इज द ब्रांच ऑफ द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को करते हैं और बेसिक एनाटॉमी में हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। सो आपसे इस लेवल के ऊपर कोई कुछ नहीं पूछता कि आप एनाटॉमी की डेफिनेशन बताएं, क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है या बेसिक एनाटॉमी क्या है, लेकिन वाइवा के लिए आपको एटलीस्ट एनाटॉमी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमिकल टर्म्स। अच्छा, इस टर्म्स से रिलेटेड मेरी एक वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी लेक्चर्स या ग्रोस एनाटॉमी के लेक्चर्स में आप लोग देखेंगे, वो प्लेलिस्ट में आपको एनाटॉमिकल टर्म्स की एक पूरी वीडियो मिलेगी। सो वो पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें डायग्रामेटिकल वे में मैंने हर चीज को डिस्क्राइब किया जो आपसे वाइवा में एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन के थ्रू पूछा जाता है। सो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमिकल टर्म्स। सो इसमें क्या हमारे पास, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल पर्सनल टू हैव अ साउंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स। विद द एड ऑफ अ मेडिकल डिक्शनरी यू विल फाइंड दैट अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी ग्रेटली असिस्ट यू इन द लर्निंग प्रोसेस। द एक्यूरेट यूज ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स बाय मेडिकल पर्सन्स इनेबल्स देम टू कम्युनिकेट विद देयर कोलीग्स बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। विदाउट एनाटॉमिकल टर्म्स वन कैन नॉट एक्यूरेटली डिस्कस और रिकॉर्ड द एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स, द एक्शन ऑफ मसल्स, द अल्टरनेशन ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑर्गन्स और द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्वेलिंग और ट्यूमर्स। सो यहां पर बताया गया कि एनाटॉमिकल टर्म्स को पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो, एनाटॉमिकल टर्म्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ डॉक्टर जब आप किसी दूसरे डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे होते हो तो उस वक्त आप जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हो उसमें आप काफी सारी एनाटॉमिकल पोजिशन याद कर रहे होते हो, उसमें आप लोग जो टॉक कर रहे होते हो वो एनाटॉमिकल पोजिशन की बेसिस पे होती है, वो टर्मिनोलॉजीज होती है एनाटॉमी की जो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर वो टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं आएंगी तो आप जो है एक बेसिक, मतलब इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल तक भी आप लोग अपने कुलीग्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, उनको बेसिक डिजीज नहीं बता पाओगे, डिसऑर्डर नहीं बताओगे। फॉर एग्जाम्पल,
अगर एक जो है आप फॉर एग्जांपल आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, आप ठीक है आप असिस्टेंट डॉक्टर हो, लेकिन आप जो सुपीरियर टू यू डॉक्टर है आप उसे जब कांटेक्ट कर रहे होते हो तो इन्हीं टर्म्स के नॉलेज के थ्रू कर रहे होते हो। आप किसी और डॉक्टर को या एज अ टीचर जब आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो तो आप किसी और डॉक्टर को अगर किसी से हिस्ट्री समझा रहे होते हो पेशेंट के, सो आप उस वक्त जो टर्म यूज कर रहे होते हो वो आप लेमैन वाली टर्म्स यूज नहीं करते, बल्कि आप जो कॉमनली एनाटॉमी में टर्म्स यूज होती हैं वो आपको यूज करनी है। तो इसकी वजह से आपको टर्म्स एन का पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप बता सको कि जॉइंट में कौन सी पोजीशन आई है, क्या चेंजिंग्स आएंगे, एक्शन ऑफ मसल्स किस तरीके से है, ठीक है इस तरीके से स्वेलिंग है, ट्यूमर्स हैं, उन तमाम चीजों की आप लोग जो है वो लोकेशंस बता सको। सो इसलिए टर्म्स को डिस्कस करना या टर्म्स को आपके लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो प्लेलिस्ट है मेरी उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी या फिर आप जो सिनेन एनाटॉमी के रिव्यू में भी आपको मिलेगी, तो दो तीन प्लेलिस्ट है मेरी एनाटॉमी के लेक्चर से रिलेटेड, उनमें आप जाके देखें कि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो दी गई है ताकि आप लोगों को समझ सके। ओके सो अब हम क्योंकि स्नेल में ना बहुत कम जो है वो क्लिनिकल टर्म्स यूज की गई हैं या फिर उनको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, सो मैंने उसको पूरा डिस्क्राइब करके आप लोगों को वहां पे अपलोड किया वीडियो। ओके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू पोजिशन। ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ दी ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर बेस्ड ऑन दी एजम्पशन दैट द पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट विद द अपर लिम्स बाय द साइड्स एंड द फेस एंड द पाम्स ऑफ द हैंड्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल पोजिशन। द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर देन डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू सर्जन इमेजिनरी प्लेन। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि एनाटॉमिकल पोजिशन की डेफिनेशन बताएं। सो एनाटॉमिकल पोजिशन की डेफिनेशन ये होती है कि द पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट विद द अपर लिम्स बाय द साइड एंड द फेस एंड पाम्स ऑफ द हैंड्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजिशन। आपको एनाटॉमिकल पोजिशन की ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है देखो एनाटॉमिकल पोजिशन क्या होती है, हमें जाहिर है कोई आपको देखो आप कोई भी चीज पढ़ रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आप मैथ में भी कोई चीज कर रहे होते हो तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है, उस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू आपको कहा जाता है कि अब इसमें ये अजम्पशन हो रही है, अब आपको ये चेंज करनी है, अब आपको एक्स वाई जेड इस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। सो एनाटॉमिकल पोजिशन वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, मीन्स कि बॉडी का इरेक्ट पोजिशन में खड़ा होना, पाम्स का स्ट्रेट होना, ठीक है फेस का फॉरवर्ड होना, ठीक है इस तरीके से। मीन्स कि आपको यहां पे डायग्राम दी गई है 1.1 फिगर, ये वाली ये जो 1.1 फिगर है इसमें जो बॉडी है, ठीक है ये जो बॉडी है ये किसमें एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी हुई है। ठीक है देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या कह रहा है, द पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट, पर्सन इरेक्ट है विद अपर लिम्स बाय द साइड, अपर लिम्स के जो है वो ये देखो बाय द साइड होने चाहिए, अपर लिम्स बिल्कुल इस तरीके से अटैच होने चाहिए, ठीक है इस तरीके से इसके अपर लिम्स होने चाहिए, ये इरेक्ट खड़ा हुआ है। ठीक है अब उसके बाद क्या होता है कि द फेस एंड द पाम्स हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, फेस और उसका पाम एंड जो है वो डायरेक्टेड है, इसमें देखो पूरा सीधी तरफ उसका फेस है। सो ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरीके से, कोई भी आपसे एनाटॉमिकल पोजीशन का डेफिनेशन पूछे तो आपको आनी चाहिए कि द पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट विद द अपर लिम्स बाय द साइड एंड द फेस एंड पाम्स ऑफ द हैंड्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन। अच्छा आपसे वाइवा में जो है एग्जामिनर आके यही पूछेगा कि मुझे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा होकर दिखाओ, तो आपने बिल्कुल इस तरीके से मींस कि अगर आप फॉरवर्ड खड़े हुए तो अभी इस तरीके से आ जाना, इन हाथों को बिल्कुल अपने जो है वो बिल्कुल अपनी साइड के साथ अटैच कर देना। ठीक है इस तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में बिल्कुल पूरी डायग्राम दी गई है आपको। सो ये एक पोजीशन होती है जो वायमा में भी आपसे पूछता है कि आपको आप जो है ना मुझे सीधा खड़े होकर दिखाओ, इस एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर दिखाओ, तो आपको ये पूरी पोजीशन बना के दिखानी होती है। सो अब हम बात करते हैं मीडियल सजाइटल प्लेन क्या होता है। दिस इज वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स राइट एंड लेफ्ट। मीडियल सजाइटल प्लेन क्या होता है, मीडियल ये देखो ये मीडियल सजाइटल प्लेन है, इनकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा है। यहां पे देखिए बॉडी जो है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है, तो ये बॉडी जो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है इसे मीडियल सजाइटल प्लेन कहते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि मीडियल सजाइटल प्लेन क्या है, कि वर्टिकल प्लेन लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ द बॉडी से पास होती है और इक्वल टू हाफ में बॉडी को डिवाइड करती है। प्लेन सिचुएटेड टू वन और द अदर ऑफ द प्लेन आर एंड आर पैरेलल टू इट्स टर्म एज पैरामीडियन, और इसके सामने ही अगर आप कोई इसी की सीध में मीन्स कि इसके पैरेलली आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं बॉडी के अंदर, सो वो लाइन क्या कराती है, पैरामीडियल प्लेन जो कि अनइक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड करती है। आर स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी देन अनदर इज सेड टू बी मीडियल टू द अदर। देखो अच्छा अब ये तो हमारे पास क्या है, पैरामीडियन था, ठीक है पैरामीडियन को मीडियन भी कह सकते हैं। अच्छा अब जो है आई स्टेटेड नियर टू द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी
मीडियन प्लेन, ये मीडियन प्लेन के अगर कोई भी स्ट्रक्चर उससे क्या होता है नियरर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियल कहते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर दैट लाइज फर्दर अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन देन इट इज अ लेटर टू द अदर। इसी तरीके से अगर मीडियन प्लेन से स्ट्रक्चर थोड़ा सा अवे होता है, फॉर एग्जाम्पल वो अवे है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहते हैं लेटरल। ठीक है, आपको बस ये टर्म्स याद होनी चाहिए कि कौन सा हमारे पास जो है वो लेटरल कहलाता है, कौन सा हमारे पास मीडियन कहलाता है। मीन्स कि ये बॉडी है, ठीक है, ये अब ये मीडियन स्ट्रक्चर है, ये बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में अगर ये इमेजिनरी लाइन मीडियन सजेटेड प्लेन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करी, तो ये क्या है, मीडियन सजेटेड प्लेन। ठीक है, इसके पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो वो क्या करती है, बॉडी को टू अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, तो इसे हम लोग पैरा मीडियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरा मीडियल प्लेन। ये हमारे पास क्या है, मीडियल पैरा मीडियल प्लेन। अच्छा, अब मीडियल लाइन के करीब ही कोई स्ट्रक्चर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम हार्ट की पोजिशन ले लें तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मीडियल प्लेन में हमारे पास हार्ट की पोजीशन है। इस तरीके से अगर हमारा हैंड है वो हमारे पास मीडियल लाइन से बहुत अवे है तो ये लेटरल पोजीशन में आ जाएगा। सो इसलिए मीडियल, लेटरल और हमारे पास जो टर्म्स है इनकी डेफिनेशन एक्चुअली आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो भी आपके जो है वो ऑर्गन्स होंगे वो इसी तरीके से आपको प्लेसमेंट इन्हीं टर्म्स में आपको दी जाएगी। ठीक है, सो मीडियन प्लेन क्या होता है, जो कि बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो पैरामीडियन क्या होता है, जो कि बॉडी को टू अनइक्वल हाफ में डिवाइड करती है इमेजिनरी। मीडियल क्या होता है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर मीडियन सजेटेड प्लेन के करीब होगा तो उसे मीडियल कहेंगे, और कोई भी स्ट्रक्चर अगर मीडियन सजेटेड प्लेन से अवे होगा तो उसे हम लोग लेटरल कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है,